स्वागत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर देखिए भाजपा का सदस्यता अभियान आज से शुरू होगा। 3 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम को सदस्य बनाएंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत करेंगे नड्डा। यूपी में सीएम फिर से सदस्य बनकर औपचारिक शुभारंभ करेंगे। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रदेश में कल विश्वेश्वरैया सभागार में अभियान भी शुरू होगा। तो देखिए यूपी में कहा जा रहा है कि सीएम फिर से सदस्य बनकर औपचारिक शुभारंभ करेंगे। तो आज से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश में कल विश्वेश्वरैया सभागार में अभियान भी शुरू होगा। तो भाजपा का सदस्यता अभियान आज से शुरू होगा, एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है सदस्यता अभियान को लेकर। आपको बता दें कि 3 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया इस बार। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, भारतीय जनता पार्टी के आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है, एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है 3 करोड़ अपने सदस्यता अभियान का, उसको लेकर आज उसकी शुरुआत होगी। और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे। आज दिल्ली के जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्रीय कार्यालय, वहाँ पर उनको सदस्यता दिलाई जाएगी और जो पुराने सदस्य होंगे उनको भी सदस्य बनना लाजमी होगा। तो ऐसे में 3 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर लगातार जो है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब ये पूरा जो सदस्यता अभियान है लंबे समय तक चलाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जी देखिए, कहा जा रहा है कि प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा जा रहा है और तमाम तरह की देखिए तैयारियां भी की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव है, उपचुनाव होने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना करना पड़ा और समाजवादी पार्टी अपर हैंड रही। 37 सीटें जीती समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन की 6 सीटें कांग्रेस की अलग जो गठबंधन के साथ थी। तो कुल मिलाकर जो ये माहौल बना हुआ है, इस माहौल से ऊपर उठने के लिए सदस्यता अभियान, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का हर साल चलाया जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि 27 का चुनाव भी नज़दीक है उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव, तो सदस्यता अभियान की शुरुआत इस तरह से की जाएगी कि हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सदस्य बनाए जाएं, हर बूथ पर 200 सदस्य बनाए जाएं, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना भारतीय जनता पार्टी को ना करना पड़े, क्योंकि बूथ अगर मजबूत होगा तो जाहिर है कि वोट भी ज़्यादा पड़ेंगे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में सदस्य बनाने का जो लक्ष्य तय किया है उसको पूरा करने का काम अब आज से जो है वो शुरू किया जाएगा। छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं तक, विधायक, सांसद, संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, उन लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और वो लोग जो है वो मिलकर सदस्यता अभियान में शिरकत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। कहा जा रहा है कि देखिए देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर रुख कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं समाप्त? देखिए, अब सदस्यता अभियान का कार्यक्रम हर जगह पर जो है वो चलाया जाएगा, बूथवार चलाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के लेंगे, उनको जेपी नड्डा दिल्ली में केंद्रीय जो कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर सदस्यता दिलाएंगे और उसके बाद यह सिलसिला जो है वो लगातार शुरू हो जाएगा। अलग अलग स्थानों पर लोग सदस्यता अभियान में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे और भाजपा के सदस्य बनेंगे। अलग अलग तरह के जो जिम्मेदारियाँ वो सौंपी गई है, विधायकों को जिम्मेदारी 10,000-20,000 सदस्य बनाने की सौंपी गई है, सांसदों को उससे ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई है, मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बहरहाल, छोटे से लेकर बड़े तक जो है वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उससे जुड़कर जो है वो आने वाले वक्त में
चुनावों में हिस्सा लें ताकि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की शिकस्त का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इसकी शुरुआत कर देंगे और 15 सितंबर तक कहा जा रहा है कि घर घर जाकर लोगों को सदस्य बनाना है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो लोगों को घर पर जाकर दस्तक देंगे। हाँ, सदस्यता अभियान तो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं, पन्ना प्रमुख तक हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बीजेपी के, इनको जिम्मेदारी रहती है और ये लोग उसी कार्यक्रम में फिर आगे बढ़ते हैं। आज इसी की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुँचेंगे और वहाँ पर जेपी नड्डा, जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनको सदस्यता दिलाएंगे और इसी क्रम में धीरे धीरे हर जगह पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अलग अलग जगहों पर सदस्यता अभियान चलेगा और बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। मिस कॉल एक नंबर जारी किया गया है, मिस कॉल के जरिए जुड़ेंगे और सदस्यता अभियान अलग अलग तरह से चलाया जाएगा और इसके साथ ही जो सक्रिय सदस्य हैं वो भी बनाए जाएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान से काम करते हैं और पूर्ण रूप से भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए उनका उद्देश्य रहता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।